उसके एक आरक्षी को फोन करके धमकाया, कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं कर रहे हो, आप यादव समाज से हो, और तुम्हारा जो चौकी इंचार्ज जो दलित समाज से है, कहा कि चौकी इंचार्ज जो सरोज है उनको आकर के हम जूते से पीटेंगे, और धमकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है, अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है चुनाव में। हम आज निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले, जो कुकृत्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पुत्र द्वारा किया गया है। पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी गई है, जूते से मारने की धमकी दी गई है, और कहा गया है कि हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे, जानते नहीं हो कि हम सुधाकर सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार की गुंडई अराजकता जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में प्रारंभ से ही हम ये बात कहते आ रहे हैं, आज ये बात प्रमाणित हो गई है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित मान करके किसी भी क्षण भयंकर वायलेंस करा सकती है, गुंडई करा सकती है, बूथ लूटने की पूरी तैयारी इनकी है। बूथ बूथ पर गुंडे पूरे प्रदेश से बुलाकर समाजवादी पार्टी ने लगाने का काम किया है। हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर के जितने भी इस प्रकार के गुंडे हैं, माफिया हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको घोसी में, मऊ में घुसने पर, रहने पर पाबंदी लगाई जाए, और इस पूरे प्रकरण पर संबंधित आरक्षी द्वारा कोपागंज थाने में FIR दर्ज करा दी गई है, जो सुसंगत धाराओं में है, और तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने के साथ ही उनके जो हथियारबंद लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, खुलेआम आम जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। कल रात में सूचना मिली कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गाड़ियों में पैसा भर करके घूम रहे हैं, चुनाव को अपने सिस्टम से निकलता देख करके, हार सुनिश्चित मान करके। तो मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हो, और हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में गुंडों को वहां घुसने न दिया जाए। जो अराजक तत्व है उनको पाबंद किया जाए, उनको जिले से बाहर किया जाए, और बाहरी गुंडों को तत्काल घोसी से बाहर किया जाए। ये जो पहले हम लोग बात अपने कई बार इस बात को हमने दोहराया है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता है, गुंडई है, माफिया गिरदी है, और इस ऑडियो के माध्यम से, एक ऑडियो भी मुझे मिला है, FIR की कॉपी भी मैं आपको देने वाला हूं। ऑडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्लॉक प्रमुख है समाजवादी पार्टी के, और जो सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने किस ढंग से पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम किया है। इसमें सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई है, और हम आपसे मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि निर्वाचन आयोग में हम शिकायत दर्ज कराएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर के अभी एक प्रार्थना पत्र निर्वाचन आयोग में देने वाले हैं। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच हो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, गुंडे माफियाओं को चुनाव से दूर रखा जाए, और प्रदेश की जनता भी आज समझ ले कि समाजवादी पार्टी जब अपना चुनाव हारता हुआ सुनिश्चित मान रही है, तो किसी भी अराजकता पर ये उतर सकते हैं, गुंडई कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, बूथ लूट सकते हैं। इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, गुंडई अराजकता इनके डीएनए में है। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं कि गुंडे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे गुंडे माफियाओं को तत्काल घोसी से बाहर कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपाल यादव जी ने कहा जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ पर भाजपाई करते हैं षड्यंत्र, जहाँ दारा सिंह चौहान दलबदलू नेता है। दरअसल आप जानते हैं कि ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के सारे नेता डिरेल्ड हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो अभी तक उनके दल में जब भारतीय जनता पार्टी से गए थे तब क्या थे। दारा सिंह चौहान जी बड़े कद्दावर नेता हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और उनका मोहभंग तत्काल हो गया। जिस ढंग से वहां पर पिछड़े वर्ग का, मोस्ट बैकवर्ड का उत्पीड़न हो रहा है, कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी में रहना नहीं चाहता है। दलित समाज के जो दो दो हत्याएं घोसी ब्लॉक में हुई थी, ब्राह्मण समाज की हत्या इसी सुधाकर सिंह के परिवार के लोगों ने की थी, और पूरे घोसी की जनता, प्रदेश की जनता जानती है, जो जितना बड़ा अपराधी है वही समाजवादी पार्टी के नेता बन सकता है। घोसी के उपचुनाव ने सिद्ध कर दिया है, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री सुधाकर सिंह, उन पर एक ब्राह्मण की और दो दलित समाज के व्यक्तियों की हत्या का उनके परिवार पर आरोप है, और वो घोसी ब्लॉक में ही हत्या हुई थी, और पूरा पब्लिक जानता है।
और एक पंचर जोड़ने वाला जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, 5 रुपए के लेन देन में जो हत्या हुई थी उसमें भी इन्हीं का नाम आया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घोसी की जनता ने, प्रदेश की जनता ने गुंडे माफियाओं को प्रदेश से बाहर करने का काम किया है और किसी की भी दाल नहीं गलेगी। वहां आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। दरअसल आप जानते हैं कि जो गठबंधन है, जो नया बनाया है, यूपीए 1 और 2 का ही एक, मैं कह सकता हूं कि सड़े माल को दोबारा रीपैक किया गया है और ये सब भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है, सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है, कुर्सी के भूखे लोगों का समूह है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये कुर्सी के लिए खुद ही हिट विकेट हो जाएंगे। इनका जनता में कोई भरोसा नहीं है। ये बैठ करके वातानुकूलित कक्षों में, कभी बंगलोर में, कभी मुंबई में मौज के लिए घूम रहे हैं। इनका जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता का इनका भरोसा जनता से उठ चुका है। जनता पूरी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश में और देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। गरीब आदमी को महसूस हो रहा है कि माननीय मोदी जी के रूप में उनका कोई अभिभावक है जो मुसीबत में उनके साथ हर समय खड़ा रहता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।